के बच्चों को देखता हूँ, आज सब हंसने वालों का चेहरा देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनको शुक्रिया बोलता हूँ मेरे तरफ से, क्योंकि मैं अब 50 साल से सिर्फ रोते हुए बच्चों को देखा हूँ, हंसते हुए बच्चे इनको मेरे सामने आते हैं, इसलिए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 साल का जो है वो कॉपी करने की आदत है, 5 साल का बच्चों का, तुम क्या करे वो रिपीट करते हैं, तुम मार के देखो तो वो भी मारते हैं, तुम किस करके देखो वो भी किस देते हैं, तुम किसको तो गालत दो वो भी गालत देते हैं, इसलिए वो समझना बच्चा क्या आपको गलती करा तो बच्चे का गलती नहीं, वो माँ बाप का गलती है, बच्चा स्कूल में गलती करा टीचरों की गलती है, बच्चों को गालत नहीं देना। हमारे पास जो बच्चे की जो निशाना थे, जो भी मार्क्स मिले हैं, किसी को कमतर मिले हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारा बच्चा कमजोर है और उसके लिए हमको मायूस होना है, बल्कि ये तो एक साल है जहाँ पर हमें ठहर कर चेक करना है कि हमारा बच्चा के अंदर किसी चीज को सीखने के सिलसिले में, किसी चीज को समझने के सिलसिले में कितनी काबिलियत, कितनी जस्तजू, कितनी सलाहियत पैदा हुई। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को लेकर हमें मायूस होना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी बात करे तो आप पर ये फर्ज बनता है कि आप दूसरों के साथ अच्छी बात करना सीखें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फजर की नमाज अदा करे तो ये लाजमी है आप पर कि आप पहले नमाज के लिए उठना पड़ेगा, फिर आपका बच्चा या आपकी बच्ची उठेगी। तो जो चीज आप अच्छी चीज, डॉक्टर साहब ने कहा कि काम हर जगह के होते हैं, काम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दी चोरी की, चोरी करना है काम, उसके लिए बहुत दिमाग लगता है, बहुत स्किल लगती है, आसानी से नहीं कर सकते कोई भी चोरी, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ सलाहियत आपको लगाना पड़ती है। आज का जो रिजल्ट है एलकेजी क्लास नर्सरी टू फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है यहाँ पे जो देने जा रहे हैं, तमाम माओं से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले मैं आपको तमाम माओं को मुबारकबाद देता चलूं कि आपके बच्चों को आपने इस स्कूल में दाखिला दिलाया और उसके साथ यहाँ पर बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं। और ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है मेरी नजर में जहाँ पर एक यंग एंड एनर्जेटिक टीम अपना पूरा एफर्ट्स लगाकर काम कर रही है। यहाँ के जो तमाम मैनेजमेंट मेंबर्स हैं वो पूरे मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे साथी हैं, और वो इतने गौर और फिक्रमंद रहते हैं अपने स्कूल से, अपने स्कूल से रिलेटेड इतना फिक्रमंद रहते हैं कि आने वाले साल तक का प्लान उनके पास अभी है, मतलब आने वाले साल हमें क्या क्या अचीवमेंट्स करने हैं, क्या करने हैं, सारा फिगर्स, सारा नोट्स मतलब उन्होंने बनाकर अभी रखे हुए हैं, उस प्लान को बस एग्जीक्यूट करना ही उनका काम।